हेलो एवरीवन, हियर वाचिंग डॉक्टर विपिन कुमार। और आज हम डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट एंड यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया। तो अगर हम देखें जो जो ICAR है, ICAR आई थिंक आप लोगों को पता होगा, एक अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन जो कि एग्रीकल्चर का रिसर्च, एजुकेशन एंड एक्सटेंशन, इन तीनों चीज़ को डील करता है। तो इसका जो फ्रेमवर्क है आपको यहाँ पर दिखेगा। जैसे आप देखें कि यहाँ पर सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो हैं वो 3 हैं इंडिया में, और डीम यूनिवर्सिटी जो हैं 4 हैं, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो हैं 64 हैं, एंड प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट जो हैं वो 13 हैं, ठीक है। और इंस्टीट्यूशंस जो हैं 64 हैं, और 690 जो है आपके कृषि विज्ञान केंद्र हैं, नेशनल रिसर्च सेंटर जो हैं 15 हैं, एंड ब्यूरो 6 हैं। तो वन बाई वन हम अब इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे अभी हम बात करें अगर सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की, तो आपके पास 3 जो है हमारे यहाँ इंडिया में 3 सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो मणिपुर में पहले जो ओल्ड था, उसके बाद उत्तर प्रदेश में एक बनाया गया रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, और जो पूसा समस्तीपुर बिहार में है उसको जो राजेंद्रा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी थी उसको सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की। डीम्ड यूनिवर्सिटी में हमारे 4 हैं, जैसे इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल में है, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जत नगर, और सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर ऑन फिशरीज एंड एजुकेशन जो है सीफे मुंबई में है। ये 4 जो हैं ICAR के डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं। अब इंस्टीट्यूशन की अगर हम बात करें तो 64 इंस्टीट्यूशन हैं, आप देख सकते हैं। जैसे पहला स्टार्ट करते हैं सेंट्रल आइलैंड एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जो पोर्ट ब्लेयर में है। ये जो भी आइलैंड है इंडिया में वहाँ पर ये रिसर्च को डील करता है। उसके बाद सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर है, जो कि राजस्थान में है। वो मेनली जो है जो भी एरिड जोन के फ्रूट्स हैं, क्रॉप्स हैं, उन पर रिसर्च करता है। देन सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है इज्जत नगर में आपको है, एंड सेंट्रल इनलैंड फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट जो बैरकपुर में है, ये वेस्ट बंगाल में है, जो इनलैंड फिशरीज का पर काम करता है। उसके बाद सेंट्रल इंस्टीट्यूट ब्रैकिस वाटर एक्वाकल्चर जो चेन्नई में है, जो ब्रैकिस वाटर का जो एक्वाकल्चर का रिसर्च करता है। उसके बाद सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बुफेलो, ये आपका हिसार में है, जो बुफेलो पर रिसर्च करता है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन गोट, जो कि मखदूम में है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग जो कि भोपाल में है, जो अभी इसको IRI के साथ जोड़ दिया गया है। IRI से भी जो एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं उसमें इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट होते हैं वहाँ पर MSc और PhD का रिसर्च करने के लिए जाते हैं। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एरिड हॉर्टिकल्चर जो कि बीकानेर में स्पेशली एरिड हॉर्टिकल्चर पे रिसर्च करता है, और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च जो कि नागपुर में है, स्पेशली इसको डिजाइन किया गया, इस्टेब्लिश किया गया है फॉर द कॉटन रिसर्च के लिए। उसके बाद सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजी जो है कोचीन में है, ठीक है। एंड देन अगेन सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर भुवनेश्वर में भी है, ठीक है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन कॉटन टेक्नोलॉजी जो है मुंबई में है। उसके बाद सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर लखनऊ में है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर जो आपका श्रीनगर में है। तो ये थे 15 इंस्टीट्यूट जो कि डिफरेंट आस्पेक्ट्स में रिसर्च करते हैं। इसके बाद और भी हैं जिनका हम डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ पर आप देखें सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑन पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी जो लुधियाना में है, सेंट्रल मैरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट कोची में, उसके बाद सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट कैसरगोड में, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला में, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर जूट एंड एलाइड फाइबर जो बैरकपुर में है, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राई लैंड एग्रीकल्चर हैदराबाद में, सेंट्रल नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक में, और सेंट्रल सीप एंड ऊल रिसर्च इंस्टीट्यूट अबीकानगर राजस्थान में है, सेंट्रल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉयल एंड वाटर कंजर्वेशन जो आपका देहरादून में है, सेंट्रल सॉयल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल में है। उसके बाद सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है आपका राजामुंदरी में है, सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट त्रिवेंद्रम में है, एंड ICAR आपका रिसर्च कम्प्लेक्स फॉर ईस्टर्न रीजन पटना में, और ICAR रिसर्च कम्प्लेक्स फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन जो है बारापानी। ये दो कॉम्प्लेक्स हैं जो कि एक पर्टिकुलर रीजन में काम करते हैं। उसके बाद सेंट्रल कोस्टल एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि आपका गोवा में है, ठीक है। तो आई हैव कवर्ड हियर 30 इंस्टीट्यूट्स ऑफ द ICAR। नाउ अगेन वी विल सी हियर द इंडियन एग्रीकल्चरल स्टेटिस्टिकल स्टेटिस्टिक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट दिल्ली में है, उसके बाद इंडियन ग्रासलैंड फ्लॉटर रिसर्च इंस्टीट्यूट झांसी में,
उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी रांची में भी न्यूली खोला गया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च बेंगलुरु में है, बहुत ही फेमस है हॉर्टिकल्चर के लिए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन एंड गम रांची में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च कानपुर जो एक्सक्लूसिवली पल्स पर रिसर्च करता है। देन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉयल साइंस जो भोपाल में है, स्पेशली सॉयल साइंस का एक इंस्टीट्यूट है जो स्पेशली सॉयल पर काम करता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च जो कालीकट में है। देन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में जो इस्टेब्लिश किया गया है कि वो जो नॉर्थ इंडिया में शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट रिसर्च करता है। उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च बनारसी में है। एंड देन नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च मैनेजमेंट जो कि हैदराबाद में, जो कि ट्रेनिंग मेनली ट्रेनिंग पर्पज से कंडक्ट बनाया गया है, वहाँ पर ट्रेनिंग ही कंडक्ट होते हैं, ठीक है। एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट जो कि न्यू है, वो रायपुर में है, ठीक है। एंड देन अगेन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एबायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट जो है कि मेलेगांव जो महाराष्ट्र में, ये भी एक नया इंस्टीट्यूट है जो एबायोटिक स्पेशली जो भी फिजियोलॉजिकल रिलेटेड जो स्ट्रेस हैं, जैसे हो गया आपका हीट स्ट्रेस हो गया एंड सैलेंटरी स्ट्रेस हो गया, जो भी एबायोटिक स्ट्रेस हैं जो कि यहाँ पर इसका रिसर्च होता है। उसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन एंड फिजियोलॉजी जो बेंगलुरु में है। देन हियर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन कॉटन एलाइड फाइबर टेक्नोलॉजी जो कि कोलकाता में है। ये जो भी जूट से रिलेटेड इंस्टीट्यूट हैं वो मेनली आपके वेस्ट बंगाल में ही मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि जूट जो मोस्ट प्रोमिसिंग क्रॉप है वो वेस्ट बंगाल में ही है, वहाँ पर ही ज़्यादा इसका प्रोडक्शन होता है, ठीक है। अगेन हम देखेंगे जैसे कुछ और इंस्टीट्यूट, जैसे यहाँ पर आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वेटनरी एपिडेमोलॉजी डिजीज इंफॉर्मेशन ये बेंगलुरु में है। एंड सुगरकेन ब्रीडिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कोयम्बटूर में है, ओके। उसके बाद विवेकानंद पर्वतीया कृषि अनुसंधान शाला जो है अल्मोड़ा में है। उसके बाद हम देखें सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन कैटल मेरठ में। उसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज़ भोपाल में है, जो कि हाईली जो भी कंटेजियस डिजीज़ होते हैं उन पर रिसर्च करता है जो एनिमल के। उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेज रिसर्च जो न्यू दिल्ली में है, अभी उसको लुधियाना शिफ्ट कर दिया गया, ठीक है। सेंट्रल एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट झांसी में है। उसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स पॉलिसी जो एनकैप के नाम से फेमस है, वो दिल्ली में है, ठीक है। और उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वीट एंड बार्ले करनाल में। उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मिंग सिस्टम रिसर्च मोदीपुरम में, जो फार्मिंग सिस्टम पर मेनली रिसर्च करता है। देन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च हैदराबाद, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी रिसर्च हैदराबाद। आपको बता दें हैदराबाद एक ऐसा शहर है जहाँ पर मैक्सिमम बहुत ही ज़्यादा मात्रा में नंबर्स ऑफ ICR इंस्टीट्यूट हैं आपको मिलेंगे। अगेन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल पॉम रिसर्च जो कि वेस्ट गोदावरी पेदा वेगी में है, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर मैनेजमेंट भुवनेश्वर में है। देन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च हैदराबाद में, ठीक है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन इन एग्रीकल्चर भुवनेश्वर में, जो स्पेशली वुमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट करता है इन एग्रीकल्चर में, उस पर रिसर्च है होता है यहाँ पर। अगेन सेंट्रल सिट्रस रिसर्च इंस्टीट्यूट नागपुर में आपको मिलेगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सीड रिसर्च आपको मऊ में मिलेगा। देन इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट आपको हजारीबाग झारखंड में है, ठीक है। देन अगर हम बात करें जैसे नेशनल रिसर्च सेंटर जो NRCs हैं वो 15 है, पहले काफ़ी मात्रा में थी, अभी काफ़ी रिड्यूस कर दिया गया है। तो आपको NRC फॉर बनाना त्रिची में है, NRC फॉर ग्रेप पुणे में है, NRC फॉर लीची मुजफ्फरपुर में, NRC फॉर पोमग्रेनेट सोलापुर में, NRC फॉर कैमल बीकानेर में, NRC फॉर इक्विन हिसार में, NRC ऑन मीट जो है हैदराबाद में, आपको NRC ऑन मिथुन एंड मेदीजी फेमा ये नागालैंड में आपको मिलेगा। देन NRC ऑन ऑर्किड एंड पैकयोंग सिक्किम में, देन NRC ऑन पिग गुवाहाटी में, देन NRC प्लांट बायोटेक्नोलॉजी न्यू दिल्ली में है, NRC ऑन सीड स्पाइसेस अजमेर में है, देन NRC ऑन यॉक वेस्ट केमांग में है, देन NRC फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट जो न्यू दिल्ली में है, NCIPM के नाम से जाना जाता है। देन
NRC ऑन इंटीग्रेटेड फार्मिंग जो है मोतिहारी में अभी रिसेंटली खोला गया है। तो ये 15 जो है NRCs हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे ब्यूरोज़ की, जो कि 6 ब्यूरोज़ हैं। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स न्यू दिल्ली में है, उसके बाद नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चरल इंपॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो मऊ में है, नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चरल इंसेक्ट रिसोर्स बेंगलोर में है, देन नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग नागपुर में है, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्स करनाल में है, एंड देन नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्स जो है लखनऊ में। इस तरह से 6 जो हैं नेशनल ब्यूरोज़ हैं। उसके बाद डायरेक्टोरेट की बात करें, प्रोजेक्ट डायरेक्टोरेट की, तो 13 हैं ये आपके 13 प्रोजेक्ट डायरेक्टोरेट हैं। इनको आप देख सकते हैं, जूनागढ़ में है, इंदौर में है, भरतपुर में है, सोलन में है, पुणे में है, पुत्तूर में है, आनंद में है, महाराष्ट्र में है, जबलपुर में है, मुक्तेश्वर में, हैदराबाद में, न्यू दिल्ली में, एंड उसके बाद भीमताल जो है नैनीताल में भी है। डायरेक्टरेट ऑफ कोल्ड वाटर फिशरीज रिसर्च। तो ये 13 जो है प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट है, ठीक है। अब हम बात देखें स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, तो स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज आपको हम स्टेट वाइज बताएंगे। आंध्र प्रदेश में आप देखेंगे तो आचार्य एनजी रंगा जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसके बाद YSRHU है, और आसाम में 1 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है। बिहार में 2 हैं, बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ भागलपुर और बिहार एनिमल साइंस यूनिवर्सिटीज़ जो पटना में है, ठीक है। उसके बाद छत्तीसगढ़ में 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं, गुजरात में आपको 5 यूनिवर्सिटीज़ हैं आप देख सकते हैं, सरदार कुशीनगर दंतेवाड़ा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ है, नौसारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, हरियाणा में 3 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसके बाद हिमाचल प्रदेश में 2 हैं, झारखंड में 1 है, जम्मू कश्मीर में 2 हैं, देन कर्नाटका में ये आपको 5 हैं, उसके बाद केरला में 3 हैं, मध्य प्रदेश में भी 3 हैं, महाराष्ट्र में आपको 5 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ मिल जाएंगी, उसके बाद उड़ीसा में 1 है, पंजाब में 2 है, राजस्थान में 6 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ खुल गई हैं। उसके बाद तमिलनाडु में देखें तो 3 है, तेलंगाना में 3 है, उत्तराखंड में 2 हो गई है जीबी पंत, और उसके बाद एक और खुली है BCSG उत्तराखंड यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, और उसके बाद उत्तर प्रदेश में अगर देखें तो उत्तर प्रदेश में 6 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं। और हम आपको बता दें सबसे जो ओल्डेस्ट है उसमें कौन सा है आपका, ये चंद्रशेखर आज़ाद, ठीक है। और अभी यहाँ पर जो बांदा यूनिवर्सिटीज ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी है वो न्यू है, और फिर वेस्ट बंगाल में अगर देखें तो 3 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो ये थी पूरी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ जो कि इंडिया के डिफरेंट स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं। फिर अगर हम बात करें कृषि विज्ञान केंद्र, तो बता दें आपसे 690 कृषि विज्ञान केंद्र हैं, और इसको अटारी जोन में बांटे गए हैं। पहला अटारी जोन जो है वो आपका लुधियाना है, जिसमें 69 KVKs हैं, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में 13 है, जम्मू एंड कश्मीर में 21 है, पंजाब में 22 हैं, 22 हैं, उत्तराखंड में 13 है, देन अटारी जोन 2 है जो जोधपुर में आता है, उसमें दिल्ली है, दिल्ली में 1 है, हरियाणा में 18 है, राजस्थान में 43 है। देन अगेन हम बात करें अटारी जोन 3 जो कानपुर का है, वो 74 KVKs हैं, जो कि एक्सक्लूसिवली उत्तर प्रदेश है, ओनली 1 स्टेट 74 KVK हैं, ठीक है। फिर अटारी जोन हम 4 की बात करें, जो पटना है 63 KVKs एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें 2 स्टेट आते हैं बिहार एंड झारखंड, एंड बिहार में 39 एंड झारखंड में 24 KVK, ठीक है। उसके बाद अटारी जोन 5 की बात करें, जो कि कोलकाता में है, 59 KVK है, उसमें अंडमान निकोबार आईलैंड आता है जिसमें 3 KVK हैं, उड़ीसा आता है जिसमें 33 हैं, वेस्ट बंगाल 23 KVK। उसके बाद अटारी जोन 6 की बात करें, अटारी जोन 6 में 45 KVK आते हैं, जिसकी आसाम है, आसाम में 26, अरुणाचल प्रदेश में 15 एंड सिक्किम में 4। देन अटारी जोन 7 है आपका, जिसमें 42 KVKs हैं, जिसमें मणिपुर में 9, मेघालय में 7, मिजोरम में 8, नागालैंड में 11 एंड त्रिपुरा में 7। देन अगेन अटारी जोन जो 8 की बात करें, जिसमें 79 KVK हैं, दिस इज द मैक्सिमम KVK इन अटारी जोन,
और महाराष्ट्र में 47, गुजरात में 30, गोवा में 2। देन अगेन अटारी जोन हम अगर 9 की बात करें तो जिसमें जबलपुर आता है जिसमें 76 के वी के हैं, छत्तीसगढ़ में 25 और मध्य प्रदेश में 51। ठीक है, उसके बाद अगेन अटारी जोन 10 है जिसमें 73 के वी के हैं, तमिलनाडु में 30, पुदुचेरी में 3, अरुणाचल प्रदेश में 24, तेलंगाना में 16। देन अटारी जोन जो 11 है उसमें बेंगलुरु 48 के वी के, जिसमें कर्नाटका 33, केरला 14, लक्षद्वीप 1। ठीक है, तो ये सब ऑलरेडी जो मैंने बताया, ये मैंने जो लिए थे इन्फॉर्मेशन वो फ्रॉम द ICR से लिए हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसका पर्पज़ इस वीडियो का ये था कि हम एक ओवरव्यू दे सकें कि व्हाट एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट एग्जिस्टिंग इन इंडिया, और उससे बता दें कि ये वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन में ICR आता है और काफ़ी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप देख सकते हैं एग्जिस्ट है। तो ये वीडियो आपको एक ग्लिम्प देगा कि मेमोराइज करने में कि क्या डिफरेंट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूशन एंड डिफरेंट टाइप ऑफ जो इंस्टीट्यूट हैं कैसे वर्क कर रही हैं, किन किन आस्पेक्ट्स में। तो होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू, आप हमें यहाँ पर मेरे पेज पे आप फॉलो कर सकते हैं डॉक्टर विपिन कुमार, और हमें ट्विटर पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। ओके, बाय बाय।